थ्री ट्यूनिंग फॉर फ्रीक्वेंसी 200, 200, 3, 207 आर साउंडेड टुगेदर, फाइंड आउट द बीट फ्रीक्वेंसी। मान लो ए की फ्रीक्वेंसी है 200, बी की है 300, 3, सी की है 207। तो जब ए और बी को साउंड करोगे एक साथ तो वी विल गेट द थ्री बीट्स। वेन वी साउंड द बी एंड सी टुगेदर वी विल गेट द फोर बीट, एंड वेन वी साउंड ए एंड सी टुगेदर वी आर गेटिंग द सेवन बीट। तो वही सिस्टम जो मैंने थोड़ी देर पहले सिखाया था, 1 सेकेंड के थ्री पार्ट करोगे ए और बी के लिए। तो 1 सेकेंड के जब थ्री पार्ट करोगे क्या लिखोगे, 1, 2, 3, 1/1, 2/1, सॉरी 1/3, 2/3 और 3/3। फिर बी और सी के अंदर फोर है, इसके फोर पार्ट करोगे, 1, 2, 3, 4। तो फोर से डिवाइड कर दो, 4, 4, 4, 4। फिर ए और सी को सात साउंड करोगे, 7 पार्ट में डिवाइड करोगे 1 सेकेंड को, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इसको वापस हम लोग 7 से डिवाइड कर दें लाइक दिस। ये पूरा 1 है, ये पूरा 1 है, ये पूरा 1 है। इसके अलावा मेरे ख्याल से सब कुछ डिफरेंट है, कोई भी सेम नहीं है। तो अब हम सबको काउंट कर लेते हैं। सो इट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, और ये तीनों मिला के एक हो गया तो 12। तो टोटल फाइंड आउट द बीट फ्रीक्वेंसी, बीट फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय 12। राइट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम इज 12।